हेलो क्रिकेट के दीवानों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए क्रिकेट करियर मोर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला मैच हम लोग अपना आईपीएल में हार गए थे गुजरात के सामने, लेकिन उसके बाद हमने लगातार 3 मैचेस जीते हैं और यहाँ पे पहुँच गए हैं अपन। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, लाइक किए हमें 50 लाइक्स, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग चैनल पर आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम टीम कॉम्बिनेशन अपना ठीक कर लेते हैं। वैसे तो मैं सेम टीम के साथ ही जाऊँगा क्योंकि 3 लगातार मैच हमने जीते और आज भी हमें जीतना है क्योंकि हमारा होम ग्राउंड में मैच होने वाला है केकेआर के सामने। तो ये है दोस्तों टॉस टाइम। उससे पहले अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। पाकिस्तान सीरीज़ हुई थी, न्यूजीलैंड सीरीज़ हुई थी और अब आईपीएल चालू हो गया है। और ये है भाई मुंबई का सबसे खूबसूरत स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम, वहाँ यहाँ पर हमारा होम मैच है आज, मैच नंबर फाइव है ये। अभी तक 4 हमने खेले थे, 3 जीते 1 हारे, और आज है कोलकाता से 5वां मैच। टॉस टाइम है, कोलकाता ने टेल्स बोला है और उन्होंने टॉस जीत लिया है यहाँ पे, और उनका निर्णय होगा यहाँ पे बैटिंग करने का। जी हाँ दोस्तों, के क्या ने टॉस जीत के बल्लेबाजी लिया, अच्छा है। यहाँ पे बाद में ड्यू तो गिरता है तो एक तरह से हमारे लिए सही है कि हम चेज भी कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे मैच लगभग स्टार्ट हो गया है, हमारे सारे फील्डर्स भी आ रहे हैं और कोलकाता के दोनों ओपनर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप लोगों का खीखा में लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। अय्यर और रिंकू सिंह आ रहे हैं भाई ओपनिंग, काफ़ी पावरफुल ओपनिंग लग रही है यहाँ पे अय्यर और रिंकू सिंह। तो यहाँ पर हमें ओवर डालना है, मिडिल ओवर्स आज हम पावर प्ले में ही डालेंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं कोलकाता के 3 ओवर में ऑलरेडी। तो हमारे स्पेल का ये पहला बॉल आज के मैच का, एक स्लिप के साथ जा रहे हैं हम और बढ़िया भाई ड्राइव मारा है बट सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगली बॉल यहाँ पे डाल रहे हैं अपन, यहाँ पे अगली बॉल थोड़ी सी बाहर डाली है, निकल के मारा है बट ये भी फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। अच्छा है भाई, अभी तक हमने विकेट्स काफ़ी लिए हैं, आई थिंक 10 विकेट्स ले लिए हैं हमने। तो मुझे ट्राई करना है कि और ज़्यादा विकेट्स हम लें। और अगली बॉल यहाँ पे डाल रहे हैं अपन, फिर से भाई ड्राइव मारा है फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे भाई। अच्छा गेंदबाजी यहाँ पे हम कर रहे हैं, पावर प्ले में कर रहे हैं और 3 डॉट निकाल दिए। चौथी बॉल निकल के मारा है फिर से बट कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे भी भाई। 4 बॉलें डाली हमने और 4 डॉट, प्रेशर में कहीं ना कहीं सिरेस अय्यर यहाँ पे। अगली बॉल और ये एज लगाए भाई सूर्य कुमार यादव थे स्लिप में और विकेट। 5 बॉल पे भाई 4 डॉट का और 5 पे फाइनली हमने आउट कर दिया सिरेस अय्यर को। बहुत बड़ा विकेट गिरा कोलकाता का, 3रा विकेट गिरा है 17 रन पे। पूरी तरीके से यहाँ पे प्रेशर में आ चुकी है कोलकाता। आखिरी बॉल हमारी इस ओवर का, एम सफदुद्दीन लास्ट बॉल हमारी इस ओवर का स्पेल का, और हमने बाहर से डाला है और ये भी एज लगाया भाई, बैक टू बैक विकेट्स, 2 बॉलों पर 2 विकेट, मैडन विकेट ये ओवर डाला है हमने, पहला मैडन भी डाला और 2 विकेट भी डाला, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो भाई, कमाल की गेंदबाजी, पूरी तरीके से प्रेशर केकेआर पे क्योंकि पावर प्ले में ही 4 ओवर हुए हैं, 17 रन बनाए उन्होंने, 4 विकेट खो दिए, शानदार गेंदबाजी। और यहाँ पे 4 बॉलें हमने अच्छी डाली हैं, 5वीं बॉल ये भी बढ़िया हमारी, 2 ओवर की 5वीं बॉल थी ये भी डॉट। अभी तक भाई बहुत अच्छा ओवर डाला है हमने, पहले ओवर में 2 विकेट लिए थे, यहाँ पे 5 बॉल डाली थी हमने, कोई विकेट तो नहीं मिला। आखिरी बॉल इस ओवर का, और ये भाई ये एज लगाया और ये 4 रन मिल जाएगा। तो ये ओवर भी अच्छा था, बस खाली एज से ये बाउंड्री गया था। 2 ओवरों में हमने रन काफ़ी कम दिए हैं और 2 विकेट लिया है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने 3रा ओवर लेके, जो हमारा बेहतरीन स्पेल है। अभी तक 5 रन दे के 2 विकेट लिए हैं और पहली बॉल पर स्टंप कर दिया भाई हमने, निकल के मारने की कोशिश थी बट यहाँ पर स्टंप आउट हो चुके हैं, बहुत बड़ा विकेट। और यहाँ पर केकेआर ढहती हुई भाई, पहली बॉल पर विकेट ले लिया, 61 पे 5 है अब केकेआर। अगली बॉल ये भी बढ़िया ड्राइव मारा है बट ये सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे भाई। अच्छी गेंदबाजी चल रही तुम्हारे भाई के यहाँ पे। अगली बॉल यहाँ पे डाला है हमने, फिर से निकल के मारने की कोशिश और एक और स्टंप भाई, बैक टू बैक विकेट यहाँ पे गिरता हुआ भाई, लगभग यहाँ पे बैक टू बैक विकेट जा रहे हैं, काफ़ी प्रेशर में है यहाँ पे भाई केकेआर, बहुत बड़े प्रेशर में। अगली बॉल यहाँ पे ये भी बढ़िया ड्राइव खेला फील्डर का, कोई रन नहीं मिलेगा। इस ओवर में भी 2 विकेट हमने ले लिए हैं, 61 पे 6 है अभी केकेआर। 2 बॉलें बची हैं इस ओवर की। अगली बॉल बढ़िया शॉट खेला, 1 रन मिल जाएगा क्योंकि गैप में चली गई ये बॉल यहाँ पे। मोहम्मद रिजवान आए हैं अभी बैटिंग पे। लास्ट बॉल हमारा इस बेहतरीन स्पेल का भाई, 3रा ओवर, इसके बाद एक और ओवर में और डालना है। रिवर्स स्वीप मारा है, फील्डर है पीछे और यहाँ पे भाई बाउंड्री मिल गई है, वो भी 6 रन मिलेंगे भाई, अच्छा शॉट था। तो अब हम अपना आखिरी ओवर लेके आ चुके हैं, 4 बॉल हमने अच्छी डाली हैं, 5वीं बॉल पे उठाया है इन्होंने भाई, खूबसूरत शॉट
और ये मिल जाएगा इनको भाई बाउंड्री के लिए भाई। खूबसूरत शॉट यहाँ पे छक्का मार दिया आखिरी बॉल हमारी स्पेल का। अभी तक हमने 20 रन देखे, 4 विकेट लिए हैं। थोड़ा सा फील्ड सेटअप करके आखिरी बॉल डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद भी जो बॉलर आएंगे उसके लिए भी मैं फील्ड सेटअप कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे ना करना पड़े। तो थोड़ा सा फील्ड को इधर उधर कर देते हैं, लूक वुड को इधर लगा देते हैं। हाँ ठीक है, ये एक अच्छी फील्ड है। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है, अपना फेवरेट मोमेंट भी कमेंट करके बताना। क्या हम 5 विकेट ले पाएंगे? आखिरी बॉल हमारी स्पेल की, 4 विकेट हमने ले लिए हैं, 20 रन देखे आखिरी बॉल। बढ़िया भाई, डॉट बॉल से हमने ओवर समाप्त किया। तो भाई कमाल का स्पेल डाला है, 4 ओवर में 20 रन देखे, 4 विकेट लिए हैं। अब बाकी के बॉलर्स को देखते हैं वो कितने रनों पर रोकते हैं KKR को। तो भाई 130 के आसपास स्कोर बनाया है कोलकाता ने। तुम्हारा भाई आ गया है बैटिंग पे, क्योंकि 2 विकेट काफ़ी जल्दी गिर गए, 32-2 है अभी भाई मुंबई इंडियंस। सबसे पहले टारगेट देखते हैं, तो भाई यहाँ पे 137 रनों का टारगेट है, 136 रन बनाए कोलकाता ने। भाई काफ़ी रन बनानी है उन्होंने, क्योंकि 6 विकेट गिरने के बाद अच्छा खासा रिकवरी करा है। 137 पे 7 थी कोलकाता, 138 का टारगेट है। पहली बॉल उमरान मलिक हमें डाल रहे हैं, पहली बॉल इस मैच की, आगे डाली, ड्राइव किया हमने भाई, गैप में है बॉल और 4 रनों के लिए भाई चौके से खाता खोला यहाँ पे पहली बॉल पे। कमाल का स्टार्ट, ये थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। आखिरी बॉल इस ओवर की और 5वें ओवर की भी, 36-2 है अभी स्कोर। लास्ट बॉल उमरान मलिक की, और स्टम्प के बाहर डाला है, फिर से ड्राइव किया, ये भी बॉल गैप में है, तो भाई 4 रन मिल जाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम है भाई, 2 बाउंड्री लगातार मार के स्टार्ट किया हमने इस मैच में। 5 ओवरों के बाद 40-2 है स्कोर मुंबई इंडियंस। अगला ओवर पावर प्ले हो चुका है ख़त्म, 44-2 रहा है स्कोर। उमरान मलिक अपना अगला स्पेल लेके आ रहे हैं। पहली बॉल छोटी बॉल कट किया है, गैप काफ़ी बड़ा, 4 रन इजीली मिल जाएंगे। 3 बॉलों पे 3 चौके भाई, 3 बॉलों पे 12 रन पे खेल रहे हैं। 300 का स्ट्राइक रेट, माफ़ करना 400 का स्ट्राइक रेट, कमाल का अटैक कर दिया यहाँ पे KKR पे भाई। अगली बॉल यहाँ पे उमरान मलिक थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील कर रहे होंगे। अगली बॉल फिर से छोटी डाली, फिर से लेट कट किया है भाई, इस बार भी 4 रन। इसी साथ 50 रन पूरे मुंबई इंडियंस के, 52 रन हो चुके हैं 5 ओवर, माफ करना 6 ओवर 2 बॉलों में भाई। और यहाँ पे 4 बॉलों हमने खेली और 4 पर चौके लगाए हैं, 4 बॉलों पे 16 रन बना दिए हमने। प्रेशर दिख रहा है इमरान मलिक पर KKR पे। अगली बॉल ये भी बाहर थी, फिर से सेम लेट कट खेला है, एक और चौका। इस ओवर में भी 3 बॉलें डाली इमरान मलिक ने और तीनों पर हमने चौका मार दिया भाई। प्रेशर कहीं ना कहीं दिख रहा है साफ उमरान मलिक पे, और हम 5 बॉलों पे 20 से पहुंच गए। शानदार बल्लेबाजी। अगली बॉल यहाँ पे उमरान मलिक अब कैसे डालेंगे, शॉर्ट पिच बॉल और हमने छोड़ दिया है भाई, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पिच मारी है, मुझे लग ही रहा था अब शॉर्ट पिच आएगी, और ये वाइड दे दिया अंपायर ने, एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। अगली बॉल यहाँ पे डालने आ रहे उमरान मलिक, प्रेशर कहीं ना कहीं जरूर दिख रहा है यहाँ पे भाई इन पे। अगली बॉल उमरान मलिक की, बट यहाँ पे अच्छा शॉट खेला, पीछे फील्डर है तो एक रन यहाँ पे हम ले लेंगे। 58-2 हो गया है स्कोर, हमने बना दिए 6 बॉलों पे 21 रन भाई। शानदार बैटिंग कर रहे हैं अपन, दीपक डी ओलिवर है, माफ़ करना मुझे लगा दीपक चेहर है, डी ओलिवर लेके आ रहे हैं अपना अगला स्पेल। 7 ओवर के बाद 58-2 है। पहली बॉल ड्राइव मारा है, पीछे फील्डर है, बट रोकना नामुमकिन इस शॉट को भाई, 4 रनों के लिए। इनका स्वागत भी चौके से किया है हमने, 25 पे पहुंच गए हम केवल यहाँ पे 7 गेंदों में। शानदार बल्लेबाजी भाई, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव 12 बॉलों पर 4 रन पर खेल रहे हैं, बस हम अटैकिंग ही खेलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक विकेट गिरा, दिक्कत हो जाएगी। अगली बॉल शॉर्ट पिच बॉल थी, आराम से कट करने का टाइम था, तुम्हारे भाई ने कट कर दिया 4 रनों के लिए भाई। एक और खूबसूरत शॉट, पूरी तरीके से प्रेशर अभी डी ओलिवर और KKR पे। 66 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल 8वें ओवर की, बाहर की बॉल ड्राइव किया है, गैप मिला नहीं बट एक रन पर आराम से मिल जाएगा। अरे भाई डायरेक्ट थ्रो मार दिया फील्डर ने, अरे यार रन आउट से विकेट गया है हमारा। एक बार फिर से 29 रनों पे तेज तरार पारी, डायरेक्ट हिट लग गया, बट मुझे लगा ये हाथ में देगा, बट उसने यार मेरे तरफ ही मार दिया। तो भाई यहाँ पे रन आउट से हमने अपना विकेट खो दिया, बट देखते हैं ये मैच हम जीत पाते हैं कि नहीं, क्योंकि तेज़ गति से मैंने 30 रन बना दिए हैं। तो यहाँ पे अगले खिलाड़ी को हम भेज देते हैं जिनका नाम है, देखते हैं यहाँ पे किसको भेजा जाएगा। इस सारे तो नए लग रहे हैं, ठीक है नहीं को भेज देते हैं अब्दुल्ला शफीक को। और दोस्तों यहाँ पे हमने 17वां ओवर में यह मैच जीत लिया, अच्छी बैटिंग करी है। तो दोस्तों अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक करना, चैनल पर और सब्सक्राइब करना, और अपना फेवरेट मोमेंट वगैरह सबको जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाना, और पुराने वीडियोज़ नहीं देखे क्रिकेट करिए मोर के तो देख लेना, IPL चल रहा है, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच।